उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने को हैं, ऐसे में तमाम पार्टियां पंचायती चुनाव जीतने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही हैं। पार्टियां ऐसे चर्चित और बड़े चेहरों को भी उतार रही हैं जो राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं और ये चेहरे उनके लिए जीत की सौगात ला सकते हैं। जिताऊ चेहरों पर दांव लगाने में बीजेपी से लेकर कांग्रेस और तमाम दल पीछे नहीं है, लेकिन बीजेपी ने जातीय समीकरणों से लेकर हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए सभी राजनीतिक दल इस चुनाव को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। बीजेपी भी अपनी सत्ता को बचाने के लिए पंचायत चुनाव पर पूरा जोर दे रही है, इसलिए उसने बड़े और चर्चित चेहरों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने पूर्व सांसद रहे और श्रावस्ती जिले के पूर्व मंत्री रह चुके दद्दन मिश्रा जैसे दिग्गज को पंचायत चुनाव में उतार दिया। बीजेपी नेतृत्व ने दद्दन मिश्रा को उतार कर चुनावी जीत के लिए अपना ट्रंप कार्ड खेल दिया है। इस तरह वीपी सिंह सरकार में केंद्र में मंत्री रहे भानु प्रताप सिंह की बेटी तेजस्वरी सिंह को बरेली के फतेहगंज पश्चिमी तृतीय से उम्मीदवार बनाया गया है। जिला बरेली के पूर्व मेयर और विधायक रहे सुभाष पटेल की पत्नी रश्मि पटेल को वार्ड नंबर 57 से प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक मनोज चौधरी ने 2017 में सहारनपुर देहात से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इसी नाते बीजेपी ने उनकी पत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी गायत्री चौधरी को वार्ड नंबर 35 रामपुर मनिहारन तृतीय से अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। आगरा की बात करें तो आगरा में पूर्व सांसद पूर्व मंत्री बाबू रामलाल की बहू सीमा चौधरी को वार्ड नंबर 20 अक्षनेरा चतुर्थ से अपना कैंडिडेट बनाया है। वहीं आगरा के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके श्याम भदौरिया की पत्नी पूजा भदौरिया को वार्ड नंबर 28 जगनेर से उम्मीदवार बनाकर वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई। ठीक इसी तरह बाराबंकी में भी पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बाद कई दिग्गज मैदान में उतर गए हैं। इसमें एक नेता रामसागर रावत भी हैं जो बाराबंकी जिले से चार बार सांसद रह चुके हैं और अब पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के लिए मैदान में उतर कर अपनी किस्मत आजमाएंगे। बताया जाता है कि रामसागर रावत समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी हैं और रावत का समाजवादी पार्टी से काफी पुराना नाता है। अब दिग्गज तो चुनाव में ताल ठोकने को तैयार हैं, लेकिन देखना होगा कि जनता किसे सिर आंखों पर बैठाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।